In this session, I will show you how to use relational operators. Basically, relational operator की बात करते हैं यहाँ पर. Relational operator होते कौन से हैं? Operators. Relational operator में जो basically हमारे पास आते हैं, they are this one, greater than, less than, greater than or equals to, less than equals to, not equals to and equals to. तो ये हमारे पास छः operators होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं. ठीक है, तो देखते हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं हमारे. तो हमारा पहला, लेट सपोज मैं इनको टेस्ट करने के लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं ये नंबर ऊपर ही वर्क करते हैं जनरली, और इक्वल टू और नॉट इक्वल्स टू जो होते हैं ये हमारे टेक्स्ट पर भी वर्क कर जाते हैं. तो पहले मैं बात करता हूँ कि लेट सपोज मेरे पास ए है और बी है, तो मेरे पास ये दो वेरिएबल हैं जिनमें मैंने वैल्यू स्टोर कर रखी है. सो व्हाट आई वांट कि मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं इनकी वैल्यू प्रिंट भी कर देता हूँ. फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू, मैंने कहा लेट से ए इज इक्वल्स टू, जो भी ए की वैल्यू होगी, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एंड बी इज इक्वल्स टू, जो बी की वैल्यू होगी, एंड बी आर. लेट से मैं इसका आउटपुट देख लेता हूँ. बहुत आसान सा, सिंपल सी चीज़ें, अभी कोई ऐसी मुश्किल बात आई नहीं है. मुश्किल अब शुरू करते हैं यहाँ पर. तो क्या है ये हमारा बेसिकली रिलेशन ऑपरेटर का फंडा? तो मैं पहले आपको बताता हूँ हम इनमें फाइंड आउट करना चाहते हैं क्या. मैं ए इज़ ग्रेटर देन बी प्रिंट करना चाहता हूँ. कैसे प्रिंट करूँगा मैं? मैंने कहा ए इज़ ग्रेटर देन बी का आउटपुट आएगा क्या? तो ये बेसिकली अपनी रिजल्ट को ट्रू और फॉल्स में देता है. आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये हमारा क्या दे रहा है, ट्रू और फॉल्स में ये वैल्यू दे रहा है. दूसरा मैं एक और काम करता हूँ, मैं दूसरी वाली वैल्यू को प्रिंट करा के देखता हूँ, कॉपी एंड पेस्ट, और इसे मैं कर देता हूँ ए इज़ लेस देन बी. तो देखें ए इज़ लेस देन बी में क्या होगा, ये ट्रू है या फॉल्स है? ए हमारा छोटा है, बिल्कुल सही, लेकिन इस बार आउटपुट नहीं आया. रीज़न बीइंग क्योंकि इसका मीनिंग होता है. तो बेस्ट होता है कि अगर आप इसे प्रिंट करना चाहते हैं तो आप इसके HTML कोड्स को यूज़ करें. एंड ये हमारा क्या था, लेस देन LT फॉर लेस देन, एंड लुक एट दिस, नाउ इट विल बी प्रिंटेड. तो ए इज़ लेस देन बी, ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमारा ए छोटा है बी से. तो इस तरह से हम ट्रू और फॉल्स में इनकी वैल्यूज़ गेट करेंगे. सेकेंड थिंग, मैं सारे छः के छः ऑपरेटर यहाँ पर प्रिंट करा के दिखाने वाला हूँ. अगर लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू. तो हमारे पास इन ऑपरेटर्स के जवाब में क्या है देख लेते हैं. मैंने कहा एंड एल टी, वैसे एल ई भी होता है लेस देन इक्वल्स टू के लिए. तो आप देखेंगे लेस देन इक्वल्स टू इस तरह दिखा रहा है. चलो, इससे हमारा पर्पज सॉल्व नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं. दैट्स इट. और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसे तो डायरेक्टली यूज़ किया जा सकता है. इक्वल्स टू एंड नॉट इक्वल्स टू, एंड लुक एट दिस, व्हाट विल बी द रिजल्ट. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें जो रिज़ल्ट आया है वो किस तरह से आया. मेरे पास ए और बी नाम के दो नंबर हैं. क्या ए हमारा बड़ा है बी से? तो इसका रिज़ल्ट आया है फॉल्स. बिल्कुल सही बात है कि हमारा ए जो है बड़ा नहीं है बी से. इसमें ट्रू आया है. इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हम लोग चेक करते हैं ईदर आवर फर्स्ट नंबर इज़ लेस देन और इज़ इक्वल्स टू बी. तो हमारा लेस देन तो है, इसलिए एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, इसलिए इसने ट्रू कर दिया. तो मतलब लेस देन और इक्वल्स टू. यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ना तो ग्रेटर है ना ही इक्वल है ए और बी. और ए इज़ इक्वल्स टू बी का मतलब तो क्या है, दोनों इक्वल हैं. तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये इक्वल तो नहीं है. अब वो कहता है क्या है, वो दोनों इक्वल नहीं है, तो दैट मीन्स दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट. तो ये हमारे पास ऑप्शन होते हैं किसके, हमारे इसके अंदर. इसके अलावा कुछ लैंग्वेजेस सपोर्ट करती हैं ट्रिपल इक्वल्स एंड नॉट इक्वल्स को, जो एब्सोल्यूट के केस में कई बार यूज़ किया जाता है. लेट सपोज मेरे पास एक है 10 और एक है मेरे पास y इज इक्वल टू 10. तो मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखाना चाहता हूँ. तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इक्वल की कंपैरिजन आपको दिखाता हूँ. तो आप देखेंगे क्या होता है, लेट सी. तो आपको यहाँ दिखाई देगा फॉल्स, रीज़न बीइंग क्योंकि ये हमारा क्या है, इक्वल नहीं है. और एक और भी हमारे पास ऑप्शन होता है ट्रिपल इक्वल्स का, मे बी शायद वो पीएचपी में ही होता है. अगर यहाँ नहीं काम करता है तो दैट मीन्स वो
ओ मैंने ए लिया हुआ है एक्चुअली में, हम एक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, एक्स और वाई। तो यहाँ आकर के हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है। डिफरेंस अब देखिए आप यहाँ पर आकर के कि एक्स इज़ इक्वल्स टू वाई तो हमारा ट्रू आया, दैट मीन्स आपकी वैल्यूज़ को कंपेयर किया जा रहा है ना कि आपके टाइप को। यहाँ पर अगर मैं टाइप की बात करूँ तो टाइप हमारा ये टेक्स्ट था और ये हमारा इंटीजर था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, जब मैं डबल इक्वल्स करता हूँ तो इन दैट केस हमारा वो ट्रू आता है, और जब मैं ट्रिपल इक्वल्स करता हूँ तो फॉल्स आता है। दैट मीन्स अगर ये वैल्यू टाइप वाइज भी सेम होती हैं तो इन दैट केस हमारा ट्रिपल इक्वल्स ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज नहीं। तो सेम केस हमारा किसका है, सेम केस हमारा नॉट इक्वल के साथ है। नॉट इक्वल्स का मतलब अगर मैं इसी की बात करूँ, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया तो मैंने यहाँ कहा नॉट इक्वल्स, इसे हम नॉट इक्वल्स कहेंगे यहाँ पर, और ये हमारा एब्सोल्यूट नॉट इक्वल्स हो जाएगा कि हमारा टाइप भी चेक किया करेगा। एंड लुक एट दिस, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारा ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि हमारा ये नॉट इक्वल्स की बात की जा रही थी और ये हमारा कह रहा है ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है कि ये हमारा प्योर डेटा टाइप को चेक करके चलता है। इसका मतलब क्या होता है कि हमने यहाँ पर कहा क्या हमारा एक्स और वाई इक्वल नहीं है, तो उसने कहा नहीं है, और यहाँ पर हम कह रहे हैं एक्स इज़ नॉट इक्वल्स टू वाई, तो ये हमारा क्या होता है नॉर्मल लेवल पर वर्क कर रहा है। तो ये हमारे पास ऐसे ऑपरेटर होते हैं जो उस पर वर्क करते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू के ऊपर कि हमारा टाइप भी सही होना चाहिए और वैल्यू भी सही होनी चाहिए। तो इन दैट केस हम ट्रिपल इक्वल्स और नॉट एब्सोल्यूट नॉट इक्वल्स को यूज़ करते हैं। तो ये हमारे लेस देन और इक्वल्स की कहानी हो गई, ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हो गए। रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक और चीज़ भी हमारे सामने आती है, दैट इज़ कॉल्ड इफ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट के साथ क्या जुड़ा हुआ है, इफ़ में अगर आपने ट्रू लिख दिया, इफ़ में अगर आपने ट्रू लिख दिया तो हम कहाँ जाएंगे, हम इसके अंदर उस चीज़ के अंदर लिख देते हैं इफ़ ट्रू वेलकम। तो अगर मैं इसे कहता हूँ कि इफ़ ट्रू, दैट मींस अगर मैं इसके अंदर कुछ भी ऐसा देता हूँ जो ट्रू रिटर्न करता है या मैं ट्रू लिख देता हूँ तो इफ़ ब्लॉक के अंदर हम चले जाएंगे। लेट्स सी, आप देखेंगे मैं वेलकम के अंदर जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर लिखा फॉल्स, एफ ए एल एस ई फॉल्स लिखा, तो इन दैट केस मैं कहाँ नहीं जा पा रहा हूँ अंदर। इसी इफ़ का एक और पोर्शन होता है एल्स, एल्स हमारा इफ़ की ही तरह होता है लेकिन ये इसके साथ अटैच्ड पोर्शन होता है। दैट मीन्स अगर मेरा इफ़ सेटिस्फाई नहीं होता है और फॉल्स हो जाता है तो इसका मतलब होता है वो एल्स सेक्शन में जाता है। मैंने यहाँ पर कहा आई एम इन एल्स, और मैं जैसे ही रीलोड करता हूँ तो वो कहता है आई एम इन एल्स, और अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ आई एम इन इफ़, तो आप देखेंगे ये ट्रू और फॉल्स का फंडा समझिएगा। यहाँ पर आकर के मैंने ट्रू लिखा तो क्या हो रहा है, अगर मैं ट्रू लिखता हूँ तो इन दैट केस मैं इफ़ के अंदर जाता हूँ, और अगर मैं फॉल्स लिखता हूँ तो इन दैट केस मैं यहाँ आता हूँ। अब इफ़ और एल्स के अंदर मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि रिलेशनल एक्सप्रेशन हमारी ट्रू और फॉल्स रिटर्न करती हैं, तो इन दैट केस हम इफ़ एल्स को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। लेट सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने कहा इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हमारी ए इज़ ग्रेटर देन बी क्या है, ये डायनेमिकली इवेल्यूएट होकर ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगी, और जैसे ही ये जो भी आउटपुट आपका रिटर्न करेगी उसके ग्राउंड पर मैं यहाँ पर चला जाऊँगा। मैंने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैंने कहा हमारा ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये प्रिंट होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो मैंने यहाँ पर इस तरह की एक्सप्रेशन डाली है, लुक एट दिस, तो वो कह रहा है बी इज़ ग्रेटर देन ए, क्यों, क्योंकि हमारा बी बड़ा है ऑब्वियसली, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कहा 100 तो अब आप देखेंगे वो कहेगा ए इज़ ग्रेटर देन बी, दैट मीन्स वो एल्स पोर्शन में चला गया। बट यहाँ पर अभी एक सिचुएशन और भी आती है, अगर मैंने दोनों नंबर को इक्वल कर दिया तो ये कहेगा क्या b इज़ ग्रेटर देन a, क्योंकि हमारी जब ये एक्सप्रेशन ट्रू नहीं हुई तो वह एल्स में जाता ही जाता है इररेस्पेक्टिव कि अब इसके अलावा भी कोई अल्टरनेट हो सकता है कंडीशन का, जैसा हमारे अभी इस वाली सिचुएशन में है कि हो सकता है कि दोनों नंबर इक्वल हो। तो इन दैट केस क्या होता है कि जब ये सेटिस्फाई नहीं हुई तो हम एल्स में जाएंगे, और फिर एल्स में भी आगे हम एक इफ़ प्रोवाइड कर सकते हैं, और मैंने कहा b इज़ ग्रेटर देन a,
अब क्या होगा, इस वाली एक्सप्रेशन को तब टेस्ट किया जाएगा जब ये वाली फॉल्स होगी, अदरवाइज यहाँ तक हम आएंगे ही नहीं। और लेट सपोज़ ये भी सेटिस्फाई नहीं होती है, तो इन दैट केस आप एल्स यहाँ लगा सकते हो। अगर आपको लगता है इसके भी अलावा कुछ है तो यहाँ पर भी एल्स इफ करके आप लिख सकते हो, यहाँ भाई अगर बराबर हो, इक्वल हो हमारी, तो हम क्या करें करें डॉक्यूमेंट डॉट राइट व्हाट बोथ नंबर्स आर इक्वल। तो मैंने यहाँ पर किया एंड लुक एट दिस, अब हम इसी में जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, इफ एल्स होता है और रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ होता है। आप इसे डायलॉग बॉक्स से भी ट्रीट कर सकते हो। तो लास्ट टाइम आपको शायद याद हो तो मैंने जब डायलॉग बॉक्स की वीडियो बनाई थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा कन्फर्म डायलॉग होता है, तो इन दैट केस हम वो क्या कर रहा था, ट्रू और फॉल्स रिटर्न कर रहा था। तो इस केस में भी हम वो काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अब मैं ये दिखाता हूँ कि हम लोग कन्फर्म डायलॉग बॉक्स को किस तरह यूज़ करते हैं। मैंने कहा लेट सपोज मैंने कन्फर्मेशन की, कन्फर्म व्हाट आर यू श्योर टू डिलीट द रिकॉर्ड, या हम कहते हैं आर यू श्योर टू सबमिट द एग्ज़ाम। लेट सपोज़ आप एग्ज़ाम सबमिट करने के लिए जा रहे थे और वो आपसे एक बार और कन्फर्म करवाता है कि आप एग्ज़ाम सबमिट करना चाहते हैं, तो मैंने आपका रिज़ल्ट इसमें कैच कर लिया। तो अब हमने कहा कि हमारा ट्रू और फॉल्स में रिटर्न आता, तो मैंने कहा इफ़ रिज़ल्ट, मैंने कहा इसके मतलब अगर ट्रू हुआ तो इसके अंदर जाएंगे, अदरवाइज़ यहाँ जाएंगे। तो कैसे होता है, मैंने कहा अगर ट्रू हुआ तो वो क्या लिखेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इट विल से योर एग्ज़ाम हैज़ बीन सबमिटेड। अदरवाइज़ ये क्या करेगा, अदरवाइज़ ये क्या करेगा, अदरवाइज़ आप यहाँ जाइए और यहाँ पर आकर कि योर एग्ज़ाम was not submitted please continue। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कंटिन्यू करने के लिए हमारे पास हो गया। सेव करता हूँ मैं रिलोड करता हूँ, तो मैंने ओके पर क्लिक किया तो कह रहा एग्जाम सबमिट, और अगर मैंने कैंसिल पर क्लिक किया तो एग्जाम was not submitted। तो इस तरह से हम इफ एल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।